नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। इससे पहले उत्तराखंड के ही जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने थे। बीते साल हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद अब भारत सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वे तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के साथ भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद 9 महीनों से देश का सबसे बड़ा सैन्य पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने लगभग 40 सालों से अधिक के करियर में कई कमांड संभाले हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन मिला था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में एक कोर की कमान संभाली और फिर सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और मई 2021 में सेना से रिटायर होने तक ये पदभार संभाला। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सीडीएस बनाए जाने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त की जाने पर प्रत्येक उत्तराखंड वासी गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।